हम सब जानते हैं कि वैसे इतना दुख नहीं होता पाकिस्तान की हार का जब वर्ल्ड कप हारता है, लेकिन इस गाने को जब भी हम देखते हैं ना इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है, हम सब जानते हैं। नंबर वन मेरा इंडिया जीतेगा एशिया, पड़ोसियों में देखो जागी है जीत की उमंग के साथ हमारे स्टार स्पोर्ट वाले ने खासकर पाकिस्तानियों के लिए एशिया कप में होने वाले इंडिया पाकिस्तान मुकाबला के लिए ये एड जारी कर दिया है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जय हिंद बोलना चाहूंगा और इसके बाद एक चीज में बात करना चाहूंगा कि अभी वाला एड यानी न्यू वाला एड और पुराने मौके मौके एड को लेकर पाकिस्तानी लोगों के माइंड में और इमोशंस में क्या डिफरेंस और क्या इफेक्ट पड़ता था उस पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों यदि अभी तक आपने ये नया वाला एड पूरा नहीं देखा है, नंबर वन मेरा इंडिया जीतेगा एशिया पड़ोसियों में देखो जागी है जीत की उमंग नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाके देखिए। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा नया वाला एड है नंबर वन मेरा इंडिया जीतेगा एशिया पड़ोसियों में देखो जागी है जीत की उमंग, ये वाला एड पुराने वाले एड मौके मौके एड की तरह इफेक्टिव नहीं है। लेकिन इस गाने को जब भी हम देखते हैं ना इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है, हम सब। दोस्तों इस मौके मौके वाली एड की कुछ अलग ही बात थी, इस एड का कोई तोड़ हो ही नहीं सकता है। दोस्तों इस मौके मौके एड को रिलीज होते ही पाकिस्तानियों की इतनी जल्दी थी कि पाकिस्तानी मीडिया टीवी बैठ के सिर्फ एक ही दुआ करते थे किसी तरह से पाकिस्तान इस बार इंडिया से जीत जाए और ये एड उन्हें फिर कभी दोबारा ना देखना पड़े। ये हमारी फीलिंग्स को हर्ट करता है। इस बार मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट से कि इस बार जाके इंडिया को हराओ ताकि ये जो हमारे ऊपर धब्बा लगा हुआ है ना मौका मौका वाला किसी तरीके से खत्म हो, फिर हम भी अपना गाना बनाए और हम भी इनको दिखाएं कि ये लो जी हमने आपके मौके मौके को खत्म कर दिया। दोस्तों आगे इस वीडियो में देखिए कैसे ये पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रहा है कि हमारे बाप दादा नाना सारे बूढ़े होकर इंतजार कर रहे थे किसी तरह से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया को हरा दे। पाकिस्तान और इंडिया खेलते हैं उस वक्त नर्व्स का गेम होता है, उस वक्त ये नहीं होता कि मतलब किसको सपोर्ट करेगी। दे प्लेड वेल, लेकिन एक और चीज थी कि आप ये देखें कि जिस घड़ी के इंतजार करते करते हमारी नस्लें बूढ़ी हो गई, एक या दो नस्लें जब वो मुंतजर है, हमारे माँ बाप हमारे चचा ताया ये सारे मुंतजर रहते थे कि किस तरीके से पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन दैट नेवर हैपेंड। इससे अब इन्हें पता चलोगा मौका मौका। दोस्तों आप लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे पड़ोसी में यानी पाकिस्तानियों में जीत की उमंग तो पिछले साल से जरूर जग चुकी है, लेकिन इस जीत की उमंग को इस साल यानी 28 अगस्त को जरूर बुझा देनी है। उम्मीद करते हैं कि हमारा टीम इंडिया 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करके ये जो पाकिस्तानी में जीत की उमंग बढ़ रही है इसे सदा सदा के लिए बुझा देगी। और यदि दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि 28 अगस्त को हमारा टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीते तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके टीम इंडिया को सपोर्ट करें। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना आप लोगों से हो पाए हम टीम इंडिया का सपोर्ट करेंगे ताकि 28 अगस्त को होने वाले मैच में इंडिया की जीत पक्की हो जाए। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और पाकिस्तानी क्रिकेट कॉमेडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।